Hello students welcome back to the Krish Cambridge school online classes This is the class for 10th our subject is English and we are discussing about the chapter which is your fifth chapter a hero which we have discussed in the earlier video also so today we will be discussing about this chapter again so before starting the class let me ask all of you that how are you all i hope that all of you must be fine and safe at your home and must be enjoying all these festivals. So, if we talk about this chapter, we have really learned that who was Swami, what was his father's expectations from him, and how Swami was scared of sleeping alone. And uh, keep a book, uh, keep this book in front of you, and keep a pencil in your hand. This should be always your uh, habit to have all these things in front of you before starting the class. So, in the first class, we have learned that. स्वामी वाज़ अ पर्सन वाज़ अ किड हु वाज़ स्केट एंड उसके फादर ने उसके साथ कुछ डिस्कस किया था कि किसी ने एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है ओके सो स्वामी वॉज नाउ आज टू स्लीप अलोन ओके अलोन इन द ऑफिस विदाउट हिज ग्रैंड मदर बिकॉज ही यूज टू स्लै ही यूज़ टू स्लीप विद हिज ग्रैंड मदर सो वी विल स्टार्ट्रॉम हियर ओनली पेज नंबर सिक्सटी फादर वॉज स्टैंडिंग की बुक इन फ्रंट ऑफ यू दीज पिक्चर्स आर ओनली फॉर द रेफरेंस फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम स्वामी गेट अप ही सेट सो फादर आए और खड़े हो गए स्वामी के पास और कहा स्वामी उठो ही लुकड लाइक एन अप अपोलिशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज एंड ही वॉज लुकिंग लाइक अ घोस्ट विच वॉज लिट बाय अन ऑफ लाइट सर्चिंग फॉर द हॉल लैम्प और हॉल के लैम्प से जो लाइट आ रही थी उसमें वो भूत की तरह लग रहे थे स्वामी स्टियर्ड एंड ग्रून्ड एज इफ इन स्लीप और गूंग गूंग आग 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 वो क्या करने लगा खराटे मारने लगा ऐसे जैसे कि वो बहुत ज़्यादा नींद में हो फादर सेट गेट अप स्वामी ग्रानी प्लीडेड वाई डू यू डिस्टर्ब इम नाउ ग्रानी सेंग कि क्यों बेचारे को डिस्टर्ब कर रहे हो जैसे आप सबकी दादी को भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है सो so, दादी ने क्या कहा कि क्यों इसे डिस्टर्ब कर रहे हो गेट अप स्वामी ही सेट फॉर द फोर्थ टाइम एंड स्वामी गॉट अप उन्होंने फोर्थ टाइम कहा और स्वामी उठ गया फादर रोल्ड अपज बेड टू इट अंडर द आर्म एंड सेट कम विथ मी स्वामी लुकड एट ग्रानी हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर इन टू द ऑफिस now what actually is happening here is that swami thought his father was not so much serious about what he was saying so swami thought that his father was making fun and he also took it as a uh, you can say as a fun okay but now what happened his parent his father was so much serious he was so much confident that he will make him sleep alone to date any cost so he came and he started shouting his name and finally he got up he looked at his granny apni hesitated tarike follow kiya apne father ko into the office room office room apne father ko follow kiya. on the way he threw a, threw a look of appeal at his mother and she said why do you take him to the office ओके okay. और जाते-जाते क्या किया उसने अपनी मम्मा की तरफ कुछ ऐसे देखा कि शायद हो सकता है मम्मा हेल्प हेल्प कर दे मेरी तो उसकी मदर ने पूछा कि क्यों तुम इसे लेके जा रहे हो ऑफिस के रूम में ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक वो हॉल में सो सकता है मुझे ऐसा लगता है दैट ही कैन स्लीप इन द हॉल ओके या जस्ट गिव मी अ सेकंड या आई डोंट थिंक सो फादर सेड एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड और स्वामी कैसे चल रहा था बिल्कुल अपना सर नीचे झुका के लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर स्वामी प्लीडेड योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉप बिहाइंड योर लॉ बुक्स तो क्या कह रहे हैं स्वामी कि पापा प्लीज मुझे आप हॉल में सोने दो आपका ऑफिस जो है वो बहुत ज्यादा एक तो गंदा होगा और वहाँ पर बिच्छू भी हो सकते जो आपके लॉ बुक्स के पीछे छुपे हों नव यू कैन सी दैट स्वामी वॉज सोस कैर टू स्लीप अलोन छोटा बच्चा जो होता है बेटा वो हमेशा डरता है और इवन बड़े भी अकेले होने से डरते हैं बिकॉज ऑफ द डार्कनेस और द नेगेटिव थाट्स विच आर इन योर माइंड ओके यस There आर नो no scorpions, लिटिल फेलो स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू like. तो उसके फादर ने क्या कहा बिकॉज उन्होंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आज वो उसे अकेले सुलाकर ही रहेंगे तो क्या कहा उसे कि कोई स्कॉर्पियन नहीं है मेरे ऑफिस में तुम चाहो तो तुम बेंच पर भी सो सकते हो कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम नाउ ही इज आजिंग क्या मैं एक लैंप अपने पास रख सकता हूँ जलता हुआ अपने रूम में ताकि मुझे थोड़ी रोशनी मिल सके No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You, you must cultivate good habits. Now, what his father is saying No, you cannot have a lamp. Why? Because I want you not to get afraid of the darkness. It is the only question of habit. सिर्फ आपकी ये एक हैबिट बन चुकी है आपको सिर्फ अपनी हैबिट बनानी है किसके बिना सोने की दादी माँ के बिना सोने की और बिना लाइट के सोने की और अपने अंदर कल्टीवेट करनी है गुड हैबिट्स गुड हैबिट्स अपने अंदर लेके आनी है आपको ब्रेव बनना है विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन सो उसके फादर से उसने पूछा कि क्या पापा मैं डोर खोल के रख सकता हूँ क्या आप मेरे लिए डोर खोल के रख सकते हैं इतना कर सकते हैं ऑल राइट बट प्रमस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट वो क्या बोला उसके फादर ने हाँ हम ऐसा कर सकते हैं बट तुम मुझे प्रामिस करो कि तुम अपना बिस्तर ले कर अपनी दादी माँ के पास नहीं चले जाओगे रात को इफ़ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल का हसी का पात्र बना दूँगा बिकॉज उसके फादर ने pure determination was there in his eyes that he want his child to be brave brave okay brave okay yes yeah swami felt cut off from humanity he was pained and angry

ही हेटेड द न्यूज़ पेपर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा घृणा हो रही है कि किसने ये न्यूज़ पेपर में न्यूज़ प्रिंट करवाई वो टाइगर वाली न्यूज़ ही विश दैट हिज टाइगर हैड इंस्पेयर द बॉय ही विश दैट द टाइगर हैड इंस्पेयर द बॉय हु डिड नॉट अपेयर टू बी अ बॉय आफ्टर बट अ मॉन्स्टर ओके जो कि क्या न्यूज़ थी कि टाइगर को कैसे उस बच्चे ने टाइगर से कैसे अपनी जान बचाई ना ही इज कि काश ऐसा कुछ होता ही ना ये हम सब भी करते हैं वेन एवर समथिंग बैड इज हैपनिंग इन आर लाइफ हम यही सोचते कि काश ऐसा होता ही ना काश ये ना हुआ होता काश वो ना हुआ होता तो आज ऐसा ना होता द सेम थिंग हीज थिंकिंग ना ओके यस As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. Now, what happened? Just as the night got dark, and the darkness got and our Lord's heart beat was very fast because he was scared. Okay, he was not able to sleep alone. ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैज़ हर्ड इन हिज लाइफ और उसे सारी भूत प्रेतों की कहानियाँ याद आ रही थी जो कि उसने अपने पूरी जिंदगी में सुनी थी क्योंकि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या किसी ऐसी जगह पर होते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं सो वॉट ही इज़ थिंकिंग ही इज़ थिंकिंग अबाउट द स्टोरीज ऑफ़ घोस्ट एंड डेवल्स घोस्ट और डेवल्स की स्टोरीज़ को वो याद कर रहा था जो कि उसने अपनी पूरी लाइफ में सुनी है वो सारी स्टोरीज उसके माइंड में घूम रही थी हाउ ऑफन हैड हिस्चम मनी सीन द डेविल इन द बैनियन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड और कैसे उसका जो फ्रेंड था मानी उसने कैसे डेविल को देखा था कैसे भूत को देखा था उस बैनियन ट्री पे जो कि गली के नुक्कड़ पे था जो कि गली में ट्री था उसके ऊपर कैसे उसके दोस्त ने उस भूत को देखा था ओके एंड वॉट अबाउट द पुअर मुनी सामी इज फादर हु स्पेट आउट ब्लड बिकॉज डेविल नियर द रिवर्स एट स्लैप डिज चीक वेन ही वॉज रिटर्निंग होम लेट एट नाइट और क्या बोला कि कैसे जो मनु शमीज है उसके फादर के आ, फादर को खून निकलने लगा जैसे कि वो रात को जब अपने घर लौट रहे थे तो उस डेविल ने उनके गाल पे चाटा मार दिया तो वो उनके फेस से खून निकलने लगा ये सब चीज़ें वो सोच रहा था बिकॉज वो सारी चीज़ें उसके माइंड में अब हारही थी बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग alone and so on his thoughts continued and his thoughts were continuing he was faint with fear and what was that? That was a ray of light from the street lamp his thoughts continued okay a ray of the light from the street lamp stayed in वॉल और क्या हो रहा था जो स्ट्रीट लाइट की शेडो है वो उसको रूम में आ रही थी और क्या कर रही थी परछाइया थी वॉल पे बहुत सारी परछाई बना रही थी कहाँ की लाइट बेटा ये जो स्ट्रीट लाइट थी वो ओके या दो द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइज रीच हिस्स ईयर टिकिंग ऑफ द क्लाक रसल ऑफ द ट्री स्नोरिंग साउंड एन समे इनसेक्ट इन साइड इंसेक्ट्स हमिंग और बहुत सारी डिफरेंट तरीके की उसको वॉइस आ रही थी जैसे हमें भी आती है रात को अगर बिल्कुल साइलेंट होता है तो आपको अपनी क्लॉक की भी आवाज़ आती है टिकिंग की आवाज़ आती है क्लॉक की ट्रीज की भी आवाज़ आती है आपको स्नोरिंग साउंड आते हैं और इंसेक्ट्स की हमिंग की भी आवाज़ आपको आती है ही कवर्ड हिमसेल्फ विथ अ ब्लैंकेट एज इफ इट वॉर एंड अ मोर कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट He could hardly breathe. उसने खुद को पूरा अपने blanket से cover कर दिया ताकि वो कुछ सुन ही ना पाए और उसे डरना लगे और वो हार्डली ब्रीथ कर पा रहा था सांस भी वो नहीं ले पा रहा था ना वॉट इज योर दैट वाई हिज पेरेंट वॉन्टेड हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्लीप वॉज हिज डिसीजन राइट और नॉट दिस विल बी योर असाइनमेंट टू राइट इट डाउन ओके बिकॉज जब तक आप स्टोरी को अपने हार्ट से याद नहीं करेंगे आप उसके क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे स्टोरी को कॉम्प्रिहड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है Every moment he expected that the devil to come up and clutch at his throat or carry him away. There was the instance of his old, old friend in the fourth class, who suddenly disappeared and was said to have been carried off by her ghost to Siam or Nepal. क्या कहा जा रहा है और उसे यही डर था कि किसी भी समय भूत आएगा डेविल आएगा उसका गला दबाएगा और उसे वहाँ से ले जाएगा क्योंकि उसने कुछ ऐसी कहानी अपनी फोर्थ क्लास में सुनी थी कि एक स्टूडेंट को कैसे डेविल एक स्टूडेंट रातों रात गायब हो गया और फिर वो कभी दिखा नहीं तो इस तरीके की स्टोरीज एंड थाट्स दीज नेगेटिव थाट्स और द केरी स्टोरीज वर कमिंग इन हिज माइंड जैसे कि हमारे साथ भी होता है जब भी हम किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं और नेगेटिव बातें ही हमारी माइंड में चल रही होती हैं ओके स्वामी हर्डली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच्ड देयर ओके न व्हाट हैपन वो हर्डली गया अपना बेड जो है उसने बेंच के बेंच के नीचे बिछा दिया और वहां पे सोने की कोशिश करने लगा इट सीम टू बी मच टू बी अ मच सेफर प्लेस मोर कॉम्पैक्ट एंड ब्रीअस है और यह उसे बहुत बेटर प्लेस लगी सोने के लिए स्पेस स्पेस भी था और उससे कुछ अच्छा भी लगा यहाँ ही शर्ट हिज आईज टाइट एंड इन केस हिमसेल्फ इन द् इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन एंड अन नोन टू हिमसेल्फ टेल अ स्लीप एंड स्लीप ही वॉज ड्रैक्ट विथ नाइट और क्या करने लगा अपनी आँखें बंद करने लगा ख़ुद को पूरा ब्लैंकेट से कवर करने लगा और सोचने लगा कि मैं जल्दी से जल्दी सो जाता हूँ मुझे जल्दी से जल्दी सोना है और उसके जो ड्रीम में है बहुत सारे नाइट मेज़ आने लगे बहुत सारे उसकी ड्रीम में भयानक भयानक आप कह सकते हैं सपने आने लगे उसे अ टाइगर वॉज चेजिंग हेम फर्स्ट वॉज एक टाइगर जो है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था उसे चेज करने की कोशिश कर रहा था हिज फीस टक टू द ग्राउंड ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप बट हिज फीड वुड नॉट मूव या द फर्स्ट वॉज अ टाइगर वॉज चेजिंग हेम क्या था उसका फर्स्ट ड्रीम की एक टाइगर जो है वो उसको चेज कर रहा है और उसके जो पैर हैं वो ग्राउंड में चिपक गए हैं वो भाग नहीं पा रहा है ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप बट हिज फीट वुड नॉट मूव उसकी जो फीट्स हैं वो मूव नहीं कर पा रहे हैं द टाइगर वॉज एट हिज बैक एंड ही कुड हियर इज क्लॉस स्क्रैच द ग्राउंड और टाइगर जो है वो उसके बिल्कुल पीछे था और उसकी जो पंजे हैं उनके स्क्रैच करने की आवाज़ उसे आ रही थी स्क्रैच स्क्रैच एंड देन लाइट थट ओके क्या हुआ स्क्रैच स्क्रैच की आवाज़ आई उसके बाद और एक लाइट की उसको जो है एक फ्राइटनिंग साउंड आई किसकी लाइट की एक फ्राइटनिंग से साउंड आई जिसे आप कह सकते हैं बिजली कड़कने की उसे आवाज़ आई सो आई मी ट्राई टू ओपन हिज हाइज हिज़ आईज बट हिज़ आई लिट वुड नॉट ओपन एंड द नाइट मेयर कंटिन्यू स्वामी ने अपनी आँखें खुलने की कोशिश करी बट जो है उसकी आँखें खुल नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा डरा हुआ था इसलिए उसकी आँखें खुल नहीं रही थी और उसका नाइट मेर जो है वो चलता रहा इट्स थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज़ लाइफ और उसकी पूरी लाइफ तक ये जो है नाइट मेर चलता रहा स्वामी ग्राउंड इन डिस्पेयर वॉट एन इंस्केबल इंस्केबल इंस्केपेबल ड्रीम ओके क्या कहा उनने इनकेपेबल ड्रीम एक ऐसा ड्रीम जिससे आप इस्केप नहीं कर सकते हैं उसने क्या सोचा बहुत ज़्यादा वो दुखी हुआ और बोला कि ये क्या इंस्केपेबल ड्रीम है जिसके जिससे कि मैं इस्केप भी नहीं कर सकता इसकेप मतलब बाहर भी मैं नहीं निकल सकता ओके okay?

बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच बट वो किसको ही टच कर पाया सिर्फ जो वुडन लेग थी उस बेंच की उसको ही वो टच कर पाया एंड हिज लोनली स्टेट कैम केम बैक टू हिम और फिर से वो अकेला हो गया ही स्वेटेड विथ फ्रेड और वो पूरा पसीना पसीना हो गया किससे डर के मारे एंड नाउ समथिंग वॉज मूविंग डाउन एंड वॉट हैपन नाव ही फेल्टैट कुछ चीज़ वहाँ से मूव कर रही है ही ले गेजिंग एट इट इन हॉर और वो बिल्कुल डरे हुए पोजिशन में सो रहा था हिस एंड हैड कम ही बिकेम डेस्परेट ही न्यू दैट द डेवल वुड प्रेजेंटली पुल हेम आउट एंड टीयर हेम इंट शर्ट सो वाई शुड ही वेट नो वॉट हैपन यॉट दैट द डेवल केम की जो है जो भूत है वो आ गया और किसी भी समय मुझे उठा सकता है और मेरी चिथड़े चिथड़े कर सकता है तो अब मुझे किस चीज़ के लिए रुक रुकने की देर है एज इट केम नियर ही क्रॉल्ड आउट फ्राम under the bench and hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. और उसने क्या किया कि जैसे ही वो उसके पास आने लगा उसने उसका पैर पकड़ लिया और उसको क्या कर लिया हक कर लिया और अपने दांतों से उसे काटने लगा जो भी इंसान वहाँ था जो भी डेविल वहाँ था वो उसे काटने लगा नाउ द थिंग वट इज हैपनिंग इज He is imagining something ही इज़ इमेजिनिंग समथिंग और वही चीज़ इमेजिन करके वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है ओके okay? और टीथ को एक मॉडल वेपन की तरह एक सबसे बड़े वेपन की तरह वो यूज करने लगा आई यो सम हैज़ बिटन मी वेंट फॉर एगोनाइज थंडरिंग क्राई एंड वॉज फॉलोड बाय अवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एडमिस्ड फर्नीचर इन अ मोमेंट फादर कुक एंड द सर्वेंट केम एंड कैरिंग लाइट न वॉट हैपेंड क्या आवाज आई अय्यो कुछ चीज़ मुझे काटी है और ये सब आवाज़ें सुन के ये टम्बलिंग की आवाज़ सुन के फर्नीचर के गिरने की आवाज़ सुन के उसके फादर कुक और सर्वेंट सब वहाँ पर लाइट लेकर पहुंच गए एंड ऑल द थ्री ऑफ देम फाइंड अ बर्गलर हु द फर्नीचर विथ अ ब्लीडिंग एंकल और वहाँ पे कौन था एक चोर था एक बर्गलर था जो कि क्या करने आया था चोरी करने आया था ही वॉज अ थीफ ओके हुल द थिंग्स तो कौन था वहाँ पे एक बर्गलर था जिसको कि उसने कैच कर लिया था और उसके एंकल क्या ankle कर रहा था उसका एंकल है वो ब्लीड कर रहा था एंड दिस वॉज डन बाय आर स्वामी द वन एन ओनली स्वामी congratulations came showering from this on uh, showering on swami next day his classmates looked at him with respect and his teacher patted his back now next day jab swami ne so swami ko lot of appreciation mili bahut other respect mili or teachers ne uski peeth pe thapthapayi because he had done such a brave, brave thing such a brave act he has done द हेड मास्टर सेट दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट स्वामी हेड बिटन इंटू द फ्लैश वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम उसने सबसे नोटोरियस जो थीफ था उनके पूरे गाँव का उनके पूरे विलेज का जो कि घर घर जाके चोरी किया करता था उसको उसने पकड़ लिया था फाइनली ओके okay. और जो इंस्पेक्टर था जो पुलिस पर्सन थे दे वर वेरी मच ग्रेटफुल टू तो हिम बिकॉज ही हैड डन सच अ ब्रेव डीड द इंस्पेक्टर सेड वाई डोंट यू जॉइन द पुलिस वेन यू आर ग्रोन अप इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि क्यों ना तुम पुलिस ज्वाइन कर लो जब तुम बड़े हो जाओ ओके okay. स्वामी सेट फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस सर्टनली येस दो ही हैड क्वाइट मेड अपज माइंड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लिटर इन लाइफ वह स्वामी ने क्या कहा सर्टेनली यस yes. उसने कहा यस yes. बट उसने अपना माइंड तो कुछ और ही बना रखा था ओके okay? कि या तो वो एक इंजन ड्राइवर बनेगा एक रेलवे गार्ड बनेगा या एक बस कंडक्टर बनेगा ओके ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट फादर आस्ट

इन हिज यूजअल प्लेस मदर सेट कैजुअली ही वेंट टू बैड एट सेवन थर्टी तो उसकी मदर ने बोला कि जिस जगह वो रोज़ सोता है वो उसी जगह सोया है एंड सेवन थर्टी वो अपने बेड पे चला गया स्लीपिंग बिसाइड इज ग्रैनी अगेन और अपनी दादी के पास ही वो सो रहा है फादर से नो वर ही वॉन्टेड टू बी अ स्लीप बिफोर आई शुड रिटर्न होम क्लै बॉय सो उसके फादर ने क्या बोला कि हाँ बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा समझदार है और मेरे घर आने से पहले ही वो सो चुका था ताकि मैं उससे कुछ कहूँ ना मदर लॉस हर टेंपर। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स यू डिट रिस्क हिज लाइफ अगेन व्हाट मदर स्टार्टेड शाउटिंग की क्यों आप उसकी जान जोखिम में डालना चाहते हैं उसे जहाँ सोना है उसे वहीं सोने दीजिए फादर मंबल्ड एज ही वेंट इन टू द चेंज ऑल राइट मॉली कॉडल एंड स्पॉय हिम एज मच एज यू लाइक क्या बोला कि हाँ आप उसे बचाओ उसे जितना बचा सकते हो बचाओ और उसे बिल्कुल आप बिगाड़ दो उसे स्पॉइल कर दो ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर वर्ड्स और उसके बाद मुझे ब्लेम कभी मत करना कि तुमने उसे बिगाड़ दिया स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्जेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट फेल ट्रेमेंडियसली रिलीव टू हेयर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप नव स्वामी वॉज फीलिंग रिलैक्स बिकॉज अब उसको अकेले नहीं सोना पड़ेगा और उसके फादर ने गिव अप कर दिया है कि अब से वो अकेले नहीं सोएगा सो दिस वॉज द स्टोरी दैट हाउ फाइनली स्वामी डिड अ ब्रेव थिंग एंड हाउ फाइनली द मोस्ट नोटोरियस थीफ of the village was caught just because of swami in the next class we will be discussing about the author about the text so this was your story students a hero and finally how swami turned out into a hero kaisa finally swami hai wo hero mein change ho gaya humne story mein dekha okay so what will be your assignment you will write the whole story in your own words okay you will write the whole story in your own words and thank you so much for attending my this class i hope you like the class and i will see you in the next class but before that you will be doing this assignment that write story in your own words okay so this will be your assignment from my side to write the story in your own words and in the next class we will be discussing the important words of this chapter about the author and about the text okay till then you will take care of yourself your parents your mother your father your grandfather your grandmother everyone who is at your home just keep on using the sanitizer and mask and please tell your family members also to follow the procedure don't go out if there is no need okay bahar nahi jayenge aap jab tak ki aapko need नहीं होगी ओके स्टूडेंट सो थैंक यू अगेन फॉर अटेंडिंग माई दिस क्लास